वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी। इसके लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब मैं आपको कोफ्तों के लिए खीमे में क्या क्या डलता है वो बताऊंगी। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज प्याज है, जिसे मैंने काट लिया है। 4 से 6 हरी मिर्ची का पेस्ट है। नमक डालकर मैंने इसे पीस लिया है। और ये भुने हुए चने का पाउडर है 1 कटोरी। और ये काली मिर्ची का पाउडर है 1 स्पून डाल रही हूँ। और ये लौंग इलायची दालचीनी का पाउडर है 1 स्पून डाल रही हूँ। और ये हल्दी पाउडर है 1.5 स्पून मैंने लिया है। और ये हरा धनिया, और इसमें बाइंडिंग के लिए मैं 3 से 4 चम्मच तेल डाल रही हूँ। 2, 3, 4 और इसमें 1 स्पून के करीब नमक डाल लिया। अब मैं इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लूंगी। इसमें आप तेल डालना ना भूलिए। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारा खीमा मिला लिया है। अब मैं इसे ग्राइंडर जार में इस खीमे को पीस लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने खीमे को इस तरह से अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। यह हमारा खीमा 300 ग्राम है। 1/2 केजी बासमती राइस है। से हम ये सारे कोफ्ते बना लिए। देखिए, हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब इन कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने फ्राई पैन रख लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून खरीब खरीब तेल डलेगा। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इन कोफ्तों को इसमें डाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते कुछ इस तरह से तले गए हैं। हमें इसे ज्यादा नहीं तलना है। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और हम इसके लिए अखनी बना लेंगे इन कोफ्तों की। ये देखिए फ्रेंड्स, अखनी बनाने के लिए हमने पैन रख लिया है। हमें अखनी पैन में ही बनाना है। अब हम 3 बड़े चम्मच से हमने तेल लिया है अखनी के लिए। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। 2 मीडियम प्याज है, हमने बारीक काट ली है। अब हम इसमें डाल देंगे। इसे सुनहरा होने तक इस प्याज को तल कर जब हम अखनी बघारेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज इस तरह से सुनहरी हो रही है। अब हम इसमें 2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन डालकर इसमें नमक डाल लेना है। और अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्ची, कोथिमीर और पुदीने का, ये हरा मसाला है, अब हम ये इसमें डाल देंगे।
और इसको अच्छी तरह से कर लेना है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से तल लिया है। अब हम इसमें 1 स्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से 10 मिनट तक पकाएं। हमारा मसाला अच्छी तरह से तल चुका है। अब हम इसमें 6 टमाटर की टमाटो प्यूरी है, अब हम ये भी इसमें डाल देंगे। और ये हमारा 1/2 लीटर दही है, ये भी डल जाएगा। और ये 6 हरी मिर्च है, अब हम इसमें अब हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब हम इसमें इन कोफ्तों को डाल देंगे और इस पर थोड़ा सा 1 स्पून के करीब गरम मसाला डाल लिया है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए लिड लगाकर पकाना होगा। एक सीटी होने तक गैस की फ्लेम ज्यादा रखेंगे, उसके बाद हम अपनी गैस की फ्लेम कम कर लेंगे। अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी बनाने के लिए हमारी यखनी इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बाजू ट्रांसफर कर देंगे और अब हम बिरयानी के लिए अदन रख लेंगे। देखिए मैंने बिरयानी के लिए अदन रख लिया है। इसमें हम 2 स्पून नमक डालेंगे और ये हरा धनिया और पुदीना है। छह से सात हरी मिर्च, 2 चक्री फूल, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 स्पून शाहजीरा, 4 से 6 तेज पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इस अदन को खोलने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, हमारे चावल 75% पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे निथार कर। अब हमने चावलों को निखार लिया है, अब हम इसके लिए चावल की लेयर लगा लेंगे। इसके लिए हमने 2 फुट पानी डाल लिया है। अब हम इसमें 1 कलर का इस्तेमाल किया है। और ये हमारा नींबू का रस डाल दिया है। अब हम इसमें अपनी डाल देंगे। हमें
कोफ्ते की लेयर में कोफ्ते नहीं डालना है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। ये तली हुई प्याज तल चुकी है। ये हरा धनिया और ये पुदीना डालकर हम अब इस पर दूसरी लेयर डाल देंगे। सेकेंड लेयर भी हम पहले की तरह ही इसमें सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, इसे आप ज्यादा मत यूज कीजिएगा। ये देखिए बस इतना सा ही लेना है हमें। अब हम इस पर अखनी को डाल लेंगे। अब ये नींबू का रस है, ये भी हमने डाल दिया है। ये हमारा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इन कोफ्तों को इस तरह से रख लेंगे। अब हम इसमें जो प्याज तल लिया था वही तेल अब हम इसमें इस्तेमाल कर लेना है। इसके लिए हमें इस तरह से बॉल्स बना लेंगे और इसमें हम तेल डाल लिया है। अब ये घर का घी है, वो भी हम इस पर इस तरह से डालकर अब हम इसे दम पर रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी दम हो चुकी है। अब हम इन चावलों को चेक कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से दम हो चुकी है। अब हम इस बिरयानी को डिश आउट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटन कोफ्ता बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।